इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कहावत है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अर्णव गोस्वामी ने तकरीबन 40,000 करोड़ के गफले को लेकर आजकल अर्णव गोस्वामी चर्चा में है। रिपब्लिक भारत के जो संपादक हैं, मुदीर आला हैं अर्णव गोस्वामी, उन पर अब मुकदमा दायर हो चुका है। भारत में आजकल तो वैसे भी झूठ का बोलबाला चल रहा है। देश के प्रधान सेवक से लेकर न्यूज चैनलों तक झूठ ही परोसा जा रहा है। पर कहते हैं झूठ का रास्ता बहुत छोटा होता है, बजाय झूठ की जीत नजर आती हो पर हकीकत में नाकाम होता है। कुछ लोगों ने झूठ को चीख चीख कर साबित करने की कोशिश की है, पर आखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के एडिटर है, इसकी हकीकत सामने आ चुकी है और सच्चाई का पर्दाफाश हुआ है। वाज़ रहे, अर्णव गोस्वामी सिर्फ माशरे में जहर फैलाने के लिए जाना जाता है। हर बात को किस तरह हिंदू मुस्लिम किया जाता है ये इस पत्रकार से सीखे। वैसे इसे पत्रकार कहना भी गलत होगा, क्योंकि इसने पत्रकारिता को ही कलंकित करने का काम किया है। हासिल इत्तला के मुताबिक मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के साथ और दो न्यूज़ चैनलों के 40,000 करोड़ रुपए के रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें पैसे देकर टीआरपी बटोरने के मामले सामने आए हैं। पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा किया। इस खुलासे के साथ अर्णव गोस्वामी की हकीकत भी सामने आई है कि किस तरह टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को बढ़ाकर अपना तसल्लुत कायम करने का दावा करता रहता था। अर्णव गोस्वामी संघी विचारधारा से प्रेरित और मोदी हुकूमत का पिट्टू कहा जाता है। हमेशा सत्ता से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहता है। दरअसल मीडिया लोकतंत्र का चौथा सुतून कहा जाता है, पर पिछले कुछ सालों से खासकर मोदी हुकूमत इख्तदार पसीर होने के बाद पत्रकारिता के मायने ही बदल दिए गए हैं। सत्ता की चापलूसी, झूठों का साथ, झूठ का जय जयकार, धर्म की सियासत, नफरत का बाजार कैसे गर्म किया जाए, इसी पर अक्सर चैनल वालों ने तवज्जो दी। हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर सवाल पूछने के बजाय गांधी नेहरू को कैसे जिम्मेदार ठहराया जाए, इस तरह की एक अजीब रिस्म गोया भारत में इन्हीं चाटुकार पत्रकारों ने शुरू की है, जिसमें सबसे पेश नाम इसी अर्णव गोस्वामी का था। धर्म के नाम पर जहर घोल रहा था और अपने आप को नंबर वन चैनल साबित करने की कोशिश करता था। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मौत मुकदमे में मुंबई पुलिस वजीर आला उद्धव ठाकरे के साथ और भी शिवसेना के लीडरों को मुसलसल निशाना बनाने की कोशिश की। वैसे भाजपा या मोदी हुकूमत कहिए, अगर इनकी मुखालिफत करते हैं तो इन पर साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके इसे दबाने की कोशिश करते रहते हैं, और यही फॉर्मूला शिवसेना पर भी इस्तेमाल किया गया। जब से महाराष्ट्र इख्तदार से भाजपा बेदखल हुई है, बेचैन हुई है, बौखला गई है, और इसी के तहत किसी न किसी बहाने महाराष्ट्र हुकूमत पर इसी अर्णव गोस्वामी के जरिए इल्जाम तराशी की जा रही है। अर्णव गोस्वामी का कहना है कि यह इसके खिलाफ साजिश है, पर अक्सर इल्मी दानिशरों का कहना है कि इस मामले में अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी जरूरी है, और जिन लोगों ने भी इसमें बिचौली यानी कि एजेंट का काम किया है, उन इश्तिहार की एजेंसियों को भी जो है उनको दायरे में खड़ा कर दिया जाए। इसी तरह झूठ के जरिए या पैसे के जरिए टीआरपी बटोरने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई पुलिस के इस इकदाम से मीडिया के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है कि आखिर कहां कहां तक झूठ का राज ही चलता जाएगा। आवाम यह सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर हमें सच्चाई कहां देख सकते हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, इसका सीधा ताल्लुक इश्तिहारात से होता है, जैसे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। हर घर में आप टीवी केबल कनेक्शन के लिए 400 से 500 रुपए देते हैं, और यही काम इन्होंने किया है कि हर कनेक्शन को 400-500 रुपए देकर अपने रिपब्लिक टीवी और उस दिगर दो चैनलों के जो नाम लिए गए हैं आप, तो इनके जरिए से करोड़ों का घोटाला किया गया है, और 40,000 करोड़ का यह मामला है। आपने कितने बार फला चैनल को देखा इसमें दर्ज रहता है, फिर बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जरिए यही आंकड़ों को शाया किया जाता है। आपने कुछ जगहों पर देखा होगा कि खासकर बेलगाम की अगर बात कहे तो आपको टीवी ऑन करते ही रिपब्लिक टीवी ही आएगा। कहने का मतलब यह है टीआरपी को बढ़ाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, असल में ये चैनल मकबूल नहीं रहता पर पैसों के जरिए इसके पॉइंट्स बढ़ा दिए जाते हैं।
BARC बार के यानी एजेंसी TRP को तय करती है। मुंबई पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट एंड रिसर्च काउंसिल ने यह काम हंसा नाम की एक एजेंसी को दिया है। पुलिस के मुताबिक हंसा एजेंसी के कुछ अफसरान ने किसी खास चैनल से पैसे लेकर उनकी TRP बढ़ाने का सौदा किया था, जिसमें रिपब्लिक TV भी है। अभी तक 2 मराठी चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। अब अर्णव गोस्वामी को भी समन भेजा जा चुका है, अब किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। अब इस मामले के बाद मीडिया के भरोसे पर यानी कि विश्वसनीयता पर भी सवाल यह निशान खड़ा हो गया कि वैसे भी आजकल झूठ का ही बोलबाला है। छोटे मोटे यूट्यूब तक पैसे देकर अपने व्यूवर्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इस चोरी का जो मामला आया है व्यूवर्स को बढ़ाने का और 40,000 करोड़ रुपये का, इसी के जरिए इश्तहार भी हासिल किए जाते हैं। जरूरत है माशरे में और कितने अर्णव गोस्वामी हैं जो झूठ के सहारे अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। मुंबई पुलिस वाकई सराहनीय है जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया, जिसे अर्णव गोस्वामी जैसे नाम निहाद पत्रकार बेनकाब हुए हैं। इत्यादि देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।